भी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। लिखो, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज, जो क्या करेगा, एसी करंट या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड चेंज करेगा भी। चेंज मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है भी, बस ठीक है। इसी में लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दो तरह के होते हैं क्लास। फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नाम से पता चलेगा आपको कि वोल्टेज को बढ़ाएगा भी या करंट को बढ़ाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, दिस ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज और करंट, ओके। इसमें देखिए एक वर्ड लिखवा रहा हूँ मैं, अभी आगे डायग्राम में पता चलेगा वो क्या चीज़ हो। इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होते हैं भी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से भी, ये भी लिख लीजिए, अभी डायग्राम में आएगा ये मीनिंग क्या है चीज़ का। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स से भी। कर लोगे, ठीक है, अभी इतना लिखना आपको, बाद में बताएंगे इस चीज़ के बारे में। सेकेंड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लिखो, दिस ट्रांसफॉर्मर डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट AC current और voltage, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स से भी, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, मोस्टली घरों में जो यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर्स भी कौन से होते हैं, वो स्टेप डाउन होते हैं भी, ठीक है। जो आपने खंभों पर लगा देखा है, अभी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेपलाइजर में देखा होगा वोल्टेज स्टेपलाइजर में, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है अभी वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। जो वोल्टेज बढ़ाएंगे वो कौन से हैं, स्टेप अप, और जो घटाएंगे वो कौन से हैं, स्टेप डाउन। आपके मोबाइल के चार्जर में क्या लगा होता है, स्टेप डाउन लगा होता है, ठीक है भाई। ये थे आपके सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज ट्रांसफार्मर भी। अब लिखिए प्रिंसिपल, सेकंड है प्रिंसिपल भी। डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल लिखिए। लिखो, इट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करेगा डिवाइस सारा, म्यूचुअल इंडक्शंस के पे काम करेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट डालिएगा कंस्ट्रक्शन भी। ये दो कॉइल की प्रॉपर्टी है भाई, यस और नो, जिसमें एक कॉइल क्या करती है, अपने अंदर करंट को चेंज होने से रोकती है बाय यूजिंग द इंडस्ट्री ऑफ सेकेंड कॉइल्स भी, यस और नो, यस और नो। हम पूरा टॉपिक कर चुके हैं इसके बारे में। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है भाई, सिंपल कहते हैं आपके लिए आपको, हमारे पास एक फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है अभी। फ्रेम देखिए, फोटो फ्रेम, इस टाइप का अरेंजमेंट है अभी। ये एक नहीं है क्लास, इसमें बहुत सी फ्रेम्स लगी होंगी ऐसे। आप ऐसा करो, एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी को बीच से पढ़ लो भी, ऐसे ऐसे बीच से कट कर लो,
ये निकाल लो सारी बार, ठीक है। इसको बीच से यहाँ से क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए स्क्वायर के अंदर भी हो जाएगा। सारा मेटल बार निकाल लीजिए, एक एक पेज क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्रेम दिखाई देगा एक एक पेज इसका, समझ में आ रहा है। तो ये फ्रेम जो हैं ये सारे किसके बने हुए थे, आयरन के बने हुए हैं अभी, सॉफ्ट आयरन फ्रेम्स भी। और हर फ्रेम क्या है, इंसुलेटेड है अभी। हर फ्रेम पे क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है कि आपस में करंट ना फॉलो करें इनका भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर है अभी क्लास, इस तरह का खाली है यहाँ पे। अरे पेजेस जो हैं ये क्या है कि फ्रेम है इनके भी, ऐसे फ्रेम जोड़ रखे हैं बहुत सी। और सारे फ्रेम्स क्या हैं, इंसुलेटेड से भी कर लोगे। तो इसको ऐसे ना बना के, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ भाई। देखिए इसमें बुक में ऐसा बना रखा है, हर एक फ्रेम दिखा रखी है वैसे, ठीक है। तो इस तरह नहीं बनाएंगे डायग्राम हम लोग, सिंपल बनाएंगे इससे। हमारे पास ये फ्रेम स्ट्रक्चर है अभी, और ये मैं दिखा रहा हूँ फ्रेम्स को भी। वी हैव इंसुलेटेड फ्रेम्स, ठीक है। एक्चुअल में जब ट्रांसफार्मर देखते हो उसमें कुछ और होता है अभी, ये तो बेसिक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग इनके। इस सारी फ्रेम्स क्या हैं, इंसुलेटेड हैं। इस फ्रेम पे हम क्या करते हैं, ट्रंस कॉपर ट्रंस लगाते हैं भी, यानी कॉपर वायर लपेटते हैं भी, हो जाएगा। सेम यहाँ पे लपेटते हैं ऐसे, कर लोगे। इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल्स भी, पी वन पी टू लिखते हैं इसको, प्राइमरी क्वाइल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल, एस वन एस टू। दो क्वाइल तो चाहिए किस, क्या करवाने के लिए, म्यूचुअल इंडक्शन करवाने के लिए, कर लोगे। दूसरा क्या है, इसको कितने लपेटा गया है, नंबर ट्रंस कितने हैं इसके भी, ये एन पी हैं भी प्राइमरी ट्रंस भी, और ये नंबर ऑफ ट्रंस कितने हैं, एन एस सेकेंडरी ट्रंस भी। अब हम डिसाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को कि डाउन बनाना है कि अप बनाना है भी। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने किसका डायग्राम बनाया है भी? ये डाउन का डायग्राम है। इसमें सेकेंडरी टर्न्स क्या हैं, कम है भाई प्राइमरी टर्न्स से भी, ज़्यादा कर दूं तो ये स्टेप अप होगा भाई, कर लोगे। यहाँ पे जोड़ेंगे एक इनपुट सिग्नल्स भी, इनपुट वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, इनपुट एसी भी, करंट या वोल्टेज। और यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट। ओके, आप क्या करोगे, यहाँ से करंट को चेंज करवाओगे, ये बिल्कुल नज़दीक होते हैं क्लास, इतनी दूर नहीं होते, तुम बना रखा मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें आप करंट को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, जो टू म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी या करंट बनेगा। अब वो कितना बनेगा डिपेंड करेगा कि कितने टर्न्स लगा रखे हैं, फाई के अकॉर्डिंग, फ्लक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। तो हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है और घट रही है हमारे अकॉर्डिंग। यस और नो, दिस इज ट्रांसफार्मर, सिंपल वर्किंग डायग्राम बनाओ बस। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर, ए रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर सीओआरई made of laminated sheet, ये sheet से फ्रेम टाइप बना रखी है कि sheet है भी ये, made of laminated sheet। आगे लिखिए, a copper wire is wounded on the laminated sheet, ओके। कॉपर वायर क्या कर रखे हैं, हमने क्या ये लिखवाया था क्या, चलो ठीक है, कॉपर वायर इज वाउंडेड ऑन द लेमिनेटेड सीट। इसी में लिखिए P1 P2, यही है अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पे P1 P2 इज कॉल्ड प्राइमरी क्वाइल भी, लिखिए P1 P2 इज कॉल्ड प्राइमरी क्वाइल। ये जो क्वाइल नहीं है इसका नाम क्या है, प्राइमरी क्वाइल भी। ओके, आगे लिखिए ए अनदर क्वाइल S1 S2
ए अनदर क्वाइल एस वन एस टू इज बाउंडेड, अनदर क्वाइल एस वन एस टू इज बाउंडेड कॉल्ड सेकेंडरी क्वाइल, कॉल्ड सेकेंडरी क्वाइल। ये भी क्या है, लेमिनेटेड है भाई, इंसुलेशन लगा हुआ इनके ऊपर भी, कर लोगे। आगे लिखिए लेट, सिंपल इतना ही लिखिए अभी, इतना हो गया भाई। एंड वी टेक आउटपुट, वी टेक आउटपुट थ्रो रेजिस्टेंस आर, वी वी टेक आउटपुट थ्रो रेजिस्टेंस आर। कंप्लीट वर्किंग लिखिए अभी, इतना ही है, वर्किंग लिखो, लिखिए भाई। लेट एन एस क्या है या एन पी क्या है, लिखिए टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी क्वाइल भी, प्राइमरी टर्न्स लिख सकते हो। एन पी क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स भी, यहां पे जो लगा रखे हम लोगों ने, ठीक है। एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी टर्न्स भी, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स भी, ठीक है। अब इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक करंट जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अभी, यस और नो? तो कितना फ्लक्स चेंज होगा, बी इंटू एरिया, अगर यूज करते हो तो आप लोग बी इंटू एरिया भी, इसमें अकेले में भी बाई यूजिंग सेल्फ इंडक्शंस भी, यस और नो? तो इसमें बाई यूजिंग म्यूचुअल इंडक्शंस भी, लिख लीजिए, कितना हो गया भाई। आगे लिखो When alternating current, when alternating current pass through the, when alternating current pass through the coils, magnetic flux is changed. Magnetic flux is changed. When alternating current pass through the coil, किस में पास करेगी पहले, primary coil में भी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए चेंज। ओके, तो अब ये मान के चले हम लोग कि कोई फ्लक्स का लॉसेज नहीं हो रहा है, जितना फ्लक्स चेंज यहाँ पे उतना फ्लक्स चेंज कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, दोनों फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यस और नो? तो इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा भाई, क्या इसमें बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में, बाय यूजिंग सेल्फ इंडक्शंस भी, इसमें बनेगा, तो कितना बनेगा अभी क्लास, लिख लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ इन प्राइमरी क्वाइल्स भी, इंड्यूस्ड ई एम एफ इन प्राइमरी क्वाइल, उसको मैं ई पी ले लेता हूँ, इंड्यूस्ड ई एम एफ इन प्राइमरी क्वाइल्स, फार्मूला क्या होता है, सिंपल है भाई, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, ये तो एक टर्न्स के लिए, कितने टर्न्स है इसमें भी, एन पी, अगर माइनस यूज करना चाहते हो तो यूज भी कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस भी। उसी तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी क्वाइल भी, सेकेंडरी क्वाइल ईएस इज इक्वल टू माइनस एनएस डी फाइव बाई डी टी, किसी किसी बुक में क्या होता है, फाई को भी चेंज कर रखा होता है, यहाँ पे भी किसके लिए, प्राइमरी के लिए, यहाँ पे किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, फिर बोलता है मान लेते हैं कि कोई लॉसेज नहीं हो रहा, हम पहले से मान रहे हैं कि कोई लॉसेज नहीं है अभी इसके अंदर, एक्चुअल में होता है अभी, बताएंगे व्हाट आर द ट्रांसफार्मर लॉसेज भी क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम लोग सारी भी, कर लोगे भाई, तो उतना ही फ्लक्स जितना यहाँ पे चेंज होगा उतना ही कहाँ पे होना, यहाँ पे भी होना अभी,
तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी क्या बननी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बननी है। चेंज क्यों हो रही है, हम क्यों लेके चल रहे हैं कि एनपी बराबर नहीं है भाई, या तो कोई बड़ा है या कोई क्या है छोटा है, बराबर हो तो क्या होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के बराबर हो जाए अभी तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो 220 यहाँ पे, 220 यहाँ पे, इसको अरेंजमेंट कर रहा, फायदा क्या है? यस सर नो, यही होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो जाए जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे बनना है, क्या फायदा होगा? नथिंग भाई। तो हमको ये NS NNP की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट करनी पड़ेगी। हमको कुछ चाहिए तो बढ़ाना है घटाना जो भी चाहिए हमको कर लोगे, तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ये सेकेंड इक्वेशन है क्लास, लिख लीजिए डिवाइडिंग 2/1 भाई, रब करते हैं भाई इसको। ई एस सेकेंडरी बाई ई पी प्राइमरी इज इक्वल टू भाई कितना होगा भाई, माइनस माइनस काट दें तो रब लिख देते हैं एन एस डी फाइव बाई डी टी बाई एन पी डी फाइव बाई डी टी, सही लिखा है, डी फाइव डी टी से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा भाई, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, यस सर नो, सही है। इस फार्मूले से आपको जो भी निकाला निकाल सकते हो, आपको चेक करना है कि सेकेंडरी कितनी ईएमएफ बनेगी, तो आपको पता होगा कितना है ईपी है, नंबर ऑफ टर्न्स पता होंगे, निकाल लीजिए आउटपुट कितना मिलेगा मेरे को, कर लोगे। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू के, ये कॉन्स्टेंट है अभी नंबर ऑफ, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, कर लोगे। व्हाट इज के, ये का नाम लिखिएगा, के क्या है, रब करते हैं उस वाले। जब भी आप लोगे ना दुकानदार आपसे एक क्वेश्चन पूछता है भाई, बताऊंगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है, लिखिए के हो गया, के क्या है भाई, वेर के इज, किसको माना है के मैंने, एन एस बाई एन पी को भी, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी। दुकानदार आपसे पूछता है, आप जाओगे ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, पूछेगा दो का दूंगा तीन का दूंगी या 0.5 का दूं, तो आपका जवाब क्या रहेगा भाई, पता ही नहीं है, पूछ के आऊंगा घर पे एक बार ना किसका लेके आना है। मैं बोल दिया कि मेरे को दो का ट्रांसफॉर्मर चाहिए भी, एक्चुअली आपसे वो ट्रांसफॉर्मर रेशियो पूछ रहा है भाई, दो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं स्टेप अप है कि मेरा स्टेप डाउन है अभी, मेरा के का वैल्यू 2 है भाई, 2 कैसे हो सकता है जब ये ज़्यादा होगा इससे भी, ये सर नो, वापस ये पूछ जाता है कि स्टेप अप दूँ कि स्टेप डाउन दूँ भाई। अगर आपसे पूछ ले, आपसे जो बोल दें कि 0.5 का चाहिए तेरे को, मतलब ये लेस देन 1 वैल्यू आ रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए अभी नीचे वाले से, किसके पूछ रहा है आपसे, वो स्टेप डाउन का पूछ रहा है, यस सर नो, वो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, आपको आपको 220 को 5 बनाना है, 10 बनाना है, 15 बनाना है, वो डिपेंड करता है के की वैल्यू के ऊपर फिर, यस सर नो, कर लोगे। अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डाउन है भाई, मोर देन 1 है तो ये अप है, कर लोगे, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो भाई, कर पाओगे, यस सर नो। मान लेते हैं भाई अगर ट्रांसफॉर्मर में पावर लॉस भी नहीं हो रहा, पावर लॉस भी नहीं हो रहा तो क्या होगा भाई, लिख लीजिएगा, लेट देयर इज नो पावर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर भी, लेट देयर इज नो पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, अगर पावर लॉस नहीं है तो इनपुट पावर आउटपुट बराबर होनी चाहिए भी, यस सर नो, क्या लिखा था मैंने, देयर इज नो पावर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर, तो इनपुट पावर क्या होगी, पी आई इज इक्वल टू, पावर क्या होती है, ई इन टू आई वी, यस सर नो, तो ई फॉर प्राइमरी आई फॉर प्राइमरी भी, यस सर नो, दूसरा आउटपुट पावर क्या होगी, ई फॉर सेकेंडरी आई फॉर सेकेंडरी, मैंने बोला कि पावर लॉस सेम है भाई, सॉरी देयर इज नो पावर लॉस, तो पावर इनपुट और आउटपुट पावर बराबर है, मैंने क्या बोला कि करंट और वोल्टेज बराबर है, मैंने ये नहीं बोला भाई, यस सर नो, ठीक है, मैं तो क्या बोला सर अब कि पावर लॉसेज क्या है, सॉरी पावर नहीं है, पावर लॉसेज नहीं है, तो पावर बराबर है भाई, मैंने ई आर के बारे में बात ही नहीं किया कि बराबर है कि नहीं है, कर लोगे, तो इसको भी नाम दे लो भाई कुछ इक्वेशंस को, थर्ड इक्वेशन था ना, थर्ड बन गई थी, ये फोर्थ बना लीजिएगा,
ये इनपुट पावर है, ये आउटपुट पावर, अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज करंट, अकॉर्डिंग टू आउटपुट वोल्टेज करंट भी लिख लीजिए। डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग या मत करो बाई वही मत कीजिए, सिंपल ही किएगा। क्या लिखवाया था, देर इज नो पावर लॉस, तो पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट भाई, जब पावर लॉस ही नहीं है तो दोनों बराबर होनी चाहिए अभी। तो क्या लिखोगे, ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस पी, कहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस पी, अगर आई एस निकालना तो सेकेंडरी करंट कितना निकलेगा भाई, इसके अकॉर्डिंग आई एस इज इक्वल टू क्या लिखें, ए पी बाई ई एस और आई पी, यही होगा ई पी बाई ई एस और आई पी। देखो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई पी बाई ई एस कुछ यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, जो वन बाई के लिख सकता हूँ, कई बुक्स में के लिखा होता है, मतलब उन्होंने क्या निकाल रखा होता है, आई एस आई पी निकाल रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कर लोगे तो कितना आएगा आई एस का वैल्यू, आई एस इज इक्वल टू, ये फार्मूला इसलिए बता रहे हैं बार बार आपको घुमा फिरा के कि कोई भी एग्जाम में कुछ पूछ सकता है आपसे भी, ये निकालो वो निकालो, कर लोगे तो कितना होगा भाई, आई पी बाई के भी, आई पी बाई के। अगर आपको पता है ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है तो आप बिजली निकल पाते हो कि सेकेंडरी करंट्स कितना होगा हमारा भी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी करंट्स भी। आपसे पूछेगा कि मेरा इनपुट करंट इतना था भाई, मेरा के का वैल्यू इतना था, बताएगा ना कि डाउन है कि अप है, के दे रखा होगा आपको भी। तो सेकेंडरी ट्रांस सॉरी आउटपुट करंट कितना होगा निकाल लो भाई, वोल्टेज है वोल्टेज निकाल लो, क्या दिक्कत है, कर लोगे कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम क्लास, ठीक है। आपको वोल्टेज पूछ रखा हो तो ये फॉर्म पहले निकाल लिया हम लोगों ने फार्मूला, मेरी इनपुट वोल्टेज इतनी है, मेरा ट्रांसफर रेशियो ये है, बताओ आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, निकाल लीजिएगा। ओके टॉपिक पूरा हो गया, टॉपिक कंप्लीट, बस एक और लिख दिया इसमें, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी। अब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है अभी, क्या इसमें रेजिस्टेंस इंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक के अंदर, रेजिस्टेंस नहीं है अभी तक भी, एग्जाम में आपसे पूछ लेगी इनपुट रेजिस्टेंस इतना है भाई, अब निकालो क्या आंसर आएगा, क्या रेजिस्टेंस डाल सकते हो इस टॉपिक में भी, अरे बना लो रेजिस्टेंस, आउटपुट इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या मान लीजिए, इनपुट आर आई, आउटपुट क्या मान लो आर ओ, कुछ तो होगा, यस सर नो, पावर में रेजिस्टेंस डूस दो भाई इस ई वी की जगह पे, यस सर नो, क्योंकि पता है कि के की टर्म में आई की टर्म में डालो या ई की टर्म में, के आएगा भाई, तो आपकी मर्जी है, जो पावर का फार्मूला है उसके अंदर आप आई आर में डालो या वी आर में डालो, आपकी चॉइस है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी बना लो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको पता होते हैं पहले से भी, कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछ लेगी रेजिस्टेंस इतना दे रखा है भाई, बताओ अब उस हिसाब से आंसर निकालिए भाई, आपको वोल्टेज दे रखा है, ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है इसके अलावा भी, निकाल लो प्रॉब्लम क्या रहेगी, पावर तो है ही आपके पास, हम क्या मान रहे हैं पावर बराबर है दोनों, यह सर ना उस हिसाब से आपको वी दे रखा है, आई आर दे रखा है, उसका उसमें से निकाल लीजिए, आई दे रखा है आर दे रखा है उस हिसाब से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। तो ये हम कर नहीं रहे, यहाँ पे टॉपिक पूरा कर रहे हैं हम लोग, हो जाएगा अभी। अभी लिखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर भी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो लिख लीजिए जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं आउटपुट वाई इनपुट चेक करते हैं हमेशा भी, तो लिखे हो अभी इसको एक बार, इट इज़ द रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर भी, आइडल कंडीशन मान रखें भाई। एफिशिएंसी क्या होती है क्लास, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, सही है। आउटपुट पावर क्या थी क्लास, आई सेकेंडरी ई सेकेंडरी, यस और नो, इनपुट वाली आई प्राइमरी ई प्राइमरी। अगर ये बराबर हैं, पावर लॉस नहीं है, परसेंटेज में निकालो तो इट गिव 100% एफिशिएंट डिवाइस भी, यस और नो, आंसर वन आया, गुना में 100 करोगे कितना बनेगा, 100% बन जाएगा भी। कर पाओगे, ऐसा नहीं होता परसेंटेज निकाले तो गुणा में क्या कर दीजिए, 100 भी कर दीजिए भी, ये आइडियल कंडीशन होती है। ओके
तो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं, डिवाइस नहीं है अभी भी, बताऊंगा क्या मीनिंग है इस बात का भी। इन ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस जरूर होते हैं अभी, लॉसेस ऑफ एनर्जीज भी। ओके, ट्रांसफार्मर पूरा होगा अभी यहाँ पे, टॉपिक कंप्लीट भी। आगे लिखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसी का बनाइएगा टॉपिक, लिखिए लॉस इन ट्रांसफार्मर, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर भी, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर भी। पहला पॉइंट क्या लगता है जो हमने मान के चल रहे हैं, फ्लक्स बराबर नहीं हो सकता भाई, यस सर नो? आप कितना भी कर लीजिए फ्लक्स का लीकेज जरूर होगा भाई, बाहर जरूर जाएगा फ्लक्स भी बॉडी से भी कर लोगे तो जितना फ्लक्स प्राइमरी का है उतना सेकेंडरी को नहीं मिल सकता भाई, कर पाओगे? पहला पॉइंट डालिएगा लॉसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी, लॉसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, हाँ जी, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल इज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी क्वाइल भी, इज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी क्वाइल। ओके, सेकेंड लॉस क्या हो सकता है अभी बताओ, बुक में लिखा हुआ है कॉपर लॉस भी, लिखो कॉपर लॉस, सेकेंड है कॉपर लॉस भी। अब कॉपर लॉस का मतलब क्या है, हमने इतने सारे ट्रंस लगा रखे हैं कॉपर वायर के भी, ट्रंस लगाने से लेंथ बढ़ जाएगी कॉपर वायर की भी, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ेगी भाई, यस और नो? सो क्या बोलते हम लोग, कॉपर लॉस बोलते हैं भी, हो जाएगा एनर्जी का लॉस होगा इन टर्म ऑफ हीट भी। लिख लीजिए, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ट्रंस रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल इज इंक्रीज भी, रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल इज इंक्रीज एंड हीटिंग इफेक्ट इज इंक्रीज भी, हीटिंग इफेक्ट इज इंक्रीज। अगर आप देखो ना आपकी वोल्टेज के हाथ लगा गर्म मिलेगी आपकी वोल्टेज आपको भी, अभी चेक नहीं किया, आपके सारे डिवाइस हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं भी, हर डिवाइस भी, यस और नो? नेक्स्ट है आयरन लॉस, नेक्स्ट है आयरन लॉस भी। अब आयरन लॉस क्या होता है, देखो अपन लोगों को नहीं बताया था कि जब बातें नहीं, आयरन लॉस में क्या था, जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है उसमें स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, पट्टियां लगी हुई हैं आयरन की भी, जे आर इंसुलेटेड कॉपर वायर, सॉरी इंसुलेटेड हैं सारे भी, ठीक है? क्यों किया गया इंसुलेशन आयरन पे, अगर पूरा बल्क बॉडी यूज कर लेते उसकी जगह पे काटने से अच्छा क्या कर लें, पूरा बल्क बॉडी यूज कर लेते हैं आयरन का। प्रॉब्लम क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स होने से बल्क बॉडी में एडिकेट बन जाता है, यस और नो? एडिकेट की खासियत भी वही है, इंड्यूसमेंट वाला अपनी प्रोडक्शन क्या करता, पॉज करता और वहां पर हीटिंग इफेक्ट शो करता अपने आप को, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, उसको पट्टियों में काटा गया अभी, लेकिन अभी तो आयरन ही है, अभी भी क्या बन रहा है, एडिकेट बन रहा है, मिनिमाइज जरूर हो गया है, खत्म नहीं हुआ अभी। तो उस एडी करंट की वजह से जो स्ट्रिप्स बनाई गई हैं आयरन की उसकी, उसमें क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट होती है, और वो लॉसेज कौन सा है, आयरन लॉस बोलते हैं उसको। कर पाओगे? देख लीजिएगा आयरन लॉस में लिखिएगा, एडी करंट इज प्रोड्यूस इन द आयरन कोर सो हीटिंग इफेक्ट इज, क्या लिखा हमने, इन द आयरन कोर सो हीट इज प्रोड्यूस भी, सो हीट इज प्रोड्यूस। समझ में आई? एक और पॉइंट डालिए, फोर्थ पॉइंट आ गया, हिस्ट्रीसिस लॉस भी, हिस्ट्रीसिस लॉस, सुना, पहली बार सुना होगा है ना, कुछ भी बोल लेते हैं, हिस्ट्रीसिस लॉस, HYSTERESIS, हिस्ट्रीसिस लॉस, पहली बार सुना है?
तो हमारा अब की थर्ड यूनिट का टॉपिक है, मेन टॉपिक है ये। आप सुनते हो पहली बार हो, हिस्ट्रीसिस लॉ सुना है? हिस्ट्रीसिस करो नहीं सुना? हिस्ट्रीसिस करो में क्या बताता आपको कि दो पॉइंट बनते हैं, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी भी। यस सर नो? उसमें ऑब्जर्वेशन ये आई थी किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाए, उसको डीमैग्नेटाइज किया जाए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी रह जाती थी पहले उसके अंदर भी, उसको ख़त्म करने के लिए माइनस मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा था, तब जाके आंसर जीरो हुआ था अभी। यस सर नो? वो करो, आपको ये बोल रहा था कि कौन सा मटेरियल स्टेबल है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, कौन सा स्टेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भी। यस सर नो? तो हिस्ट्री से लॉसेस क्या थे भी, किसी सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हो ना बार बार, तो वो गर्म हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, एसी क्या कर रहा है, हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यस सर नो? हर बार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कर लोगे, इस प्रोसेस से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट बनता है बॉडी के अंदर भी। अगर आपने देखा हो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से होता हीटिंग इफेक्ट भी, बार बार उसको क्या करें, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करें ना, तो क्या शो करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। क्यों, उसमें डोमेन कभी ऐसे बनते हैं कभी ऐसे बनते हैं जाके डोमेन्स भी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, डोमेन थ्योरी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी। लिखो लिखो लिखिए अभी क्लास। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हीट इज प्रोड्यूस इन द आयरन कोर भी। हीट इज प्रोड्यूस इन द आयरन कोर। क्वेश्चन लिखिए क्लास, लिखिए। ए ट्रांसफॉर्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, एफिशिएंसी ऑफ 80%। इट वर्क एट 4 kW, इट वर्क एट 4 kW एंड 100 volt। द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 volt। फाइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट भी। फाइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। क्या क्या गिवन है अभी क्लास, आपका एफिशिएंसी गिवन है, ईटा होते हैं कितना है 80%। ये क्या भाई 4 kW, ये कौन सी पावर है, इनपुट पावर, इस पे काम करता है ये। ओके, ये इनपुट वोल्टेज है भाई, वीपी। ठीक है, ये कौन सी है, वीएस केंद्री भाई। कर लोगे, इस फार्मूले के बेसिस पे आपको क्या निकालना है, जो भी गिवन है उसके बेसिस पे निकालना, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट से निकालना है। अभी बताओ जल्दी से, कौन कौन से फार्मूले लगा दूं मैं, जल्दी से बताओ। हैं, अरे सिंपल है भाई, एक तो पावर दे रखी है आपको इनपुट वाले भी, पी इनपुट दे रखा है, तो क्या होगा, आई इनपुट वी इनपुट। यही है, यहाँ से तो आईपी निकल जाएगा, इनपुट करंट भाई कितना आएगा, पी आई बाई वी पी, कितना हुआ 4 kW भाई। किलो कितना होता है, 1000 डिवाइड बाई 100 भाई, तो कितना हुआ 40 एम्पियर। 40 एम्पियर होगा, 40 एम्पियर। ओके, और क्या निकालना भाई, सेकेंडरी करंट नीचे, ठीक है, कर लोगे। सेकेंड निकालना है सेकेंडरी करंट्स भी, ये कैसे निकाले बताओ जल्दी से मेरे को, क्या सेकेंडरी वोल्टेज दे रखी है, सेकेंडरी वोल्टेज दे रखी है, सेकेंडरी पावर दे रखी है, कहाँ दे रखी है, सेकेंडरी पावर नहीं है या आउटपुट पावर नहीं है, इसको यूज़ कर लेते हैं, एफिशिएंसी यूज़ कर लें। एफिशिएंसी क्या होती है,
इसको लिख सकते हैं आई एस ई एस बाई आई पी ई पी, परसेंटेज में है तो गुणा में सो भी कर देते हैं। यस सर नो, तो ये तो 80 हो गया भाई, 80। व्हाट इज आई एस, स्केंट से निकालना है, आई एस निकालना है अभी। ई एस कितना है अभी, 240 डिवाइड बाई आई पी 40 और ई पी है क्या 100, निकाल सकते हो आई एस भी, गुणा में 100 भी है, इज इक्वल। तो बुक में इसका आंसर है भाई 13.3 एम्पीयर्स। ठीक है, कर लोगे, यही क्या सुनाएंगे घुमा फिरा के भी।